हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन होम। मैं हूँ रीता। आज की विषय है गार्डनिंग। मुझे बहुत ही खुशी मिली है तो सोचा आपके साथ भी मेरी खुशी शेयर करूँ। मेरी एक जीजी प्लांट का स्टेम ख़राब होने लगा था तो मैंने पानी में रखा था। एक उम्मीद से रखा था कि अगर उसमें रूट आ जाए, लेकिन वो स्टेम देखिए पूरा पूरा सूख गया है। पर जाते जाते मेरे लिए दो क्यूट सा बेबी छोड़ के गई है तो मुझे बहुत ही खुशी मिली है। एक ह्यूमन बींग की तरह एक मादर प्लांट भी अपने बेबी को कैसे मरते हुए भी टेक केयर कर रही है तो देख के बहुत ही खुशी मिलती है। कैसे रूट सिस्टम देखिए, बहुत अच्छा रूट सिस्टम भी आ गया है और क्यूट सा दो बेबी है अभी मेरे लिए छोड़ के गई है। तो अभी मुझे इसके टेक केयर करना है और अच्छे से ख्याल रखना है। इसे देखिए, पत्ते को छूते ही पत्ते गिर रहे हैं, एकदम पूरा मर गया है। लेकिन मुझे ना उम्मीद नहीं किया है तो दो बेबी मेरे लिए छोड़ के गई है। आप भी, आपके अगर कोई भी जीजी प्लांट का स्टेम ऐसे सूख रहा है तो फेंक मत दीजिए, पानी में रखिए। और कोई अच्छा स्टेम भी काट के आप पानी में रख सकते हैं, उससे अच्छे से प्रोपागेट हो जाता है। और कोई पत्ता भी काट के आप पानी में रख सकते हैं तो पत्ते से भी अच्छे से प्रोपागेट हो सकता है। जीजी प्लांट बहुत ही अच्छा प्लांट है। देखिए ये मेरा प्लांट है, इसमें से मैंने एक स्टेम काट के रखा था। अभी ये प्लांट को प्रोटेक्ट करना है, बेबी प्लांट को अच्छे से ख्याल रखना है तो मैंने एक काटा ले लिया और जो सूख गया है मदर प्लांट का पार्ट वो मैं काट रही हूँ। थोड़ा सा मैंने पार्ट रखा है स्टेम का और अभी ये बेबी प्लांट को मुझे पॉटिंग करना है। इसके लिए मैंने छोटा सा पॉट लिया है क्योंकि अभी प्लांट बहुत ही छोटा है। इसके लिए अगर बड़ा पॉट लूँगी तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि बड़ा पॉट में क्या है, पानी ज़्यादा रह जाता है और रूट ख़राब हो जाता है। तो जितनी छोटी प्लांट है उसके लिए छोटा पॉट लेना ही अच्छा है। तो मैं छोटा सा एक पॉट ले लिया, मेरे घर में प्लास्टिक का था मैं तो वही ले लिया, लेकिन अगर मिट्टी का होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने प्लास्टिक का पॉट ही ले लिया है। मिट्टी देखिए एकदम अच्छा मिक्सचर है, सॉयल मिक्सचर एकदम अच्छा है। इसमें कोल है, परलाइट है, कोकोपीट है, गार्डन सॉयल और सैंड, पत्ते की खाद, ये सब मिला के ये मिट्टी एकदम पोरास बना है, एकदम हल्की सी है, बहुत ही अच्छा मिट्टी है। इसमें एयर अच्छे से पास होगा और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से होगा। तो नीचे जो छेद है उसके लिए मैं थोड़ा सा क्ले बॉल यूज़ कर रही हूँ जैसे मिट्टी नीचे से पास ना हो जाए। ये बहुत ही एयरी सॉयल है। देखिए मैं थोड़ा सा पहले हाफ मिट्टी ऐसे दे रही हूँ पॉट में और प्लांट को एकदम ही डिस्टर्ब नहीं करना है, हल्के हाथों से मैं लगा दूँगी नहीं तो खराब हो सकता है प्लांट। तो अभी हल्के हाथों से ही मैं इसे लगाऊंगी। जीजी प्लांट बहुत ही अच्छा प्लांट है, ये एयर प्यूरीफायर भी है। तो आपके घर में प्लांट जरूर रखिए, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसके पत्ते एकदम ग्लॉसी होती है। अभी ये बेबी को मुझे बड़ा करना है। देखिए क्यूट सा दो बेबी है, इसे फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिया गया है तो अभी मुझे टेक केयर करना है। तो इसका मिट्टी मैंने अच्छे से दे दिया है, पॉट में अच्छे से मिट्टी भर दिया है, पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा मैंने जगह खाली रखा है एरेशन के लिए। अभी मैं स्प्रे करूँगी, ज़्यादा पानी नहीं दूंगी, मैं ओनली स्प्रे करूँगी जब तक थोड़ा बड़ा ना हो जाए, 6 इंच तक ना हो जाए तब तक मैं यही छोटा पॉट में ही रहने दूंगी।
देखिए मैं स्प्रे कर रही हूँ, हल्का हल्का स्प्रे करना है। और स्प्रे करते ही देखिए नीचे से एकदम पूरा पानी निकल गया है। देखिए इतनी अच्छी सॉयल मिक्सचर है कि मैंने पानी भी नहीं डाला, स्प्रे किया तो ही पानी पूरा नीचे से निकल गया है। अभी मैं ऐसे ही जब तक बड़ा ना हो जाए तब तक थोड़ा थोड़ा स्प्रे करती रहूँगी, और पॉट अभी छोटा ही रखूँगी, थोड़ा बड़ा हो जाए 6 इंच तक हो जाए तब भी मैं इसे दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी। देखिए क्यूट सा छोटा सा बेबी, आप भी ऐसे ग्रो कर सकते हैं, छोटा छोटा बेबी आप प्लांट में अच्छे से प्रोपागेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक थम्स अप जरूर दीजिए। थैंक यू ऑल।